नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक फ्रेश ब्लॉग लेकर। तो आप सब कैसा है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। क्या है आज है? हैप्पी दिवाली। और दीपावली में जा रहे हैं हम लोग, लाल केला घास काटना है और उसमें दिया वया लगाने का सिस्टम होता है वो करेंगे। तो बने रहो वीडियो पर लास्ट तक। जो नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका पास जाने वाला है। तो चलो फिलहाल तो हम पास पे चला है और भाई तो राइडिंग किया बहुत उछाल कर यहाँ पर उठा दिए है और हंसवा लेके आए हैं। भाई जी, भाई थोड़ा हाई कर दो। साले को हम और सभी लोड करेंगे। उधर है बहन हमारा, पीछे पूरा लोडिंग चलेगा फुल। और शाम को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो पर बने रहो। और भाई क्या कर रहे हो भाई, बहुत करो भागो। दोस्तों फिलहाल तो न्यू टूवास का जो ट्रिप था आप लोग बढ़िया सपोर्ट किया है। और इधर केला का भाई लोग और फिलहाल भाई लोग का हो गया, हम लोग जाते हैं अभी। और जो आप लोग न्यू टूवास का ट्रिप था बढ़िया प्यार दिया तो तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू बहुत सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखे रखना है। और क्या भाई आगे हम चल के बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको दे पाए इसी मेहनत से। इधर चिल्लर बाड़ी यहाँ पर चंग रहा है, पेड़ पे कितना चंग रहा है भाई लोग। इधर ही है केला का, उधर ही है गौतम भाई। यस मारो भाई, तरीका से भाई जैसी लोग है ना भाई। भाई लोग का इतना गाली पकता है ना लालो तेरे को कुछ बोला है रे बाबू? लाला पैर पे चक गया रे, पैर रुक गया देखिए। ऐ साला मर ले भाई, हम वहां से वहां छलांग भी दे दिए। या ओ आयो यो ये कुछ कहना चाहता है भाई लोग? भाई लोग फटाफट काट के अभी पैकिंग करते हैं बस। चलो रे उड़ा रे घर। अरे भाई फेंक दिया इधर देखो भाई, उधर भाग रहा है भाई, क्या कर रहा है? कौन सा स्टाइल है रे भाई को साइकिल फेंक दिया? बोलो किसी को कुछ बोलो। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर दबा के ठोक देना। कैसा लगा? ठेल जोर लगा के यहाँ से ढलान है भाई। बॉबी जी पूरा प्यार से अभी लेप रहा है तो फुल। कहाँ देख रहे ढोंगर कलाकारी देखो देसी लोग। ये भी यहीं पर कलाकार सब दोस्तों फिलहाल तो अभी देखो सब केला वाला घास के गाड़ के रेडी कर दिया और अभी दिया जला रहे हैं। इतना ज़्यादा हवा था, अभी हवा थी थोड़ा फिलहाल कम है।
और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बम धमाका करने वाला है, बम फटाए तो अच्छे से फटाओ भाई, नहीं तो पूरा जल जाएगा। हमारा पिछले दिवाली में हमारा हाथ जल गया था, इसलिए बम से डर लगता है। हाँ देखो बम है, बम अब जलेगा। मिर्ची सो गाइस, अभी और एक जगह जाने वाला है, तो वहाँ उत्तर दिनाजपुर का रजिस्ट्री ऑफिस मोर है, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम काली पूजा हो रहा है, तो वहाँ पर बड़े बड़े विधायक सब आके स्वागत करने वाले हैं अच्छी तरह से, तो बस देखते रहो। আমরা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অনেকগুলো পূজাতেই গেছি, শেষ তোমাদের এটা করে বাড়িতে ঢুকবো। বাড়ির থেকে আমার ছেলে শ্বশুর বাড়ি আছে, সেখানে একটা পূজা হয়, সেখানে যাবো। সাহেব এটা বললো, অনন্যাও বললো যে আমাদের মোড়ে এবার নতুন করে একটা পূজা করছি। আমি খুব ভালো, পূজা মানে একটা মিলন উৎসব, সকলে মিলে আমরা একত্রিত হয়ে পূজাগুলো ভাব বিনিময় হয় এবং সবার মন একটু আনন্দে জেগে ওঠে এবং একটা জায়গা স্থির হয় যে আমরা সকলেই মানুষ মানুষ হিসাবে কাজ করতে চাই। এই জিনিসটাই হচ্ছে উৎসবের মন মন নির্দেশ। তাই উৎসব যত হবে মানুষের মধ্যে প্রীতি সমৃদ্ধি ততই বৃদ্ধি পাবে। এই দীপাবলির উৎসবে আমরা মায়ের কাছে কি প্রার্থনা করি, আমরা এখানে প্রজ্বলন করি দীপশিখা, সেই দীপশিখার মধ্যে যে রশ্মি উঠে তাতে আমরা বলি অন্ধকারকে দূর করে এবং নূতন দিগন্ত স্থাপন করতে, মানে আমাদের মধ্যে যত পাপ আছে বা অপকর্ম আছে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে মা আমাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদ্বোধন দাও, যেন এই শুভবুদ্ধির দ্বারা আমরা মানুষের কাজ করতে পারি, একত্রিত হয়ে সকলে চলতে পারি। এই বিশ্বাস বা মায়ের কাছে আবেদন করে আমরা নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলব। সেই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা এলাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, যতই এলাকা এগিয়ে যাবে ততই এলাকার উন্নয়ন হবে। তাই মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ রাখলে কিন্তু কখনো আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। তাই আমরা এই অনুষ্ঠানগুলো দীপাবলি বলো দুর্গাপূজাই বলো এগুলা শুধু উৎসবের মধ্যে মহা উৎসব রূপে পরিণত হয়েছে। তাই আজ যত কালী পূজা হবে, যত দুর্গাপূজা হবে, যত ঈদ তোমাদের হবে, মহরম হবে, সবই কিন্তু শুভ লক্ষণ, কোথায় কিন্তু অশুভের কথা বলা নাই। তাই আজ দীপাবলি উৎসবে আমি সবাইকে আমার আন্তরিকস্থল থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাই। আগামী দিনে আরও যেন ভালো হয়, আরও যেন উজ্জ্বল হয় এই আবেদন রেখে কামনা করে আমার পুত্র বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।
मारने वाला भाई। ये तो चल के बहुत खतरनाक है। हां ये बम थोड़ा सा पकड़ लिया।